अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जी भावलपुर में सुबह से बारिश हो रही है और कभी रुक जाती है और कभी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ये देखें जी, पानी जो है रोडों पर जो है इस वक्त भर चुका है और बारिश हो रही है, देख सकते हैं जी। तो पाकिस्तान के कौन कौन से शहर में बारिश हो रही है कमेंट में हमें बताइएगा। और इस वक्त जो है भावलपुर में जो है सुबह से जो बारिश शुरू हुई हुई है और अभी तक जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये देखें जी, लोग जो हैं अंदर छुप कर बैठ गए हैं, काम जो है बिल्कुल बंद हो चुके हैं। ये देखें, लाइट भी चली गई है और बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और हमारे पीछे एक गोंगलू सा बैठा हुआ बंदा, फिर लगाया उसने, कहता है फिर। तो रिवर उसका भी मैं आपको चेहरा दिखाता हूँ, ये बैठा है ये गोंगलू और अब मुंह छुपा लिया है इसने। तो दोबारा आपको बारिश की तरफ ले चलते हैं, ये देखें जी। बारिश दोबारा तेज़ हो गई है जी, ये देखें। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बारिशें शुरू हो चुकी हैं और सुनने में आ रहा है कि दरियाओं में जो है पानी फिर से छोड़ा जाएगा। तो आपको दरियाओं की भी अपडेट मिलेगी। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे छोटी सी गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि नई वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। तो ये देखें, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, ये देखें जी, बारिश जो है काफ़ी स्पीड इख्तियार कर चुकी है। और ये देखें, रोड का आपको व्यू करवाऊँ जी। लोगों के जो कारोबार हैं इस वक्त जो हैं बिल्कुल बंद हुए पड़े हैं बारिश की वजह से। ये देखें, रोड बिल्कुल खाली है और कुछ चंद लोग जो हैं रोड पर जा रहे हैं और वो भी नहा कर जा रहे हैं जी, नहाए हुए हैं। ये देखें, ये देखें जी, ये सूरत हाल बनी हुई है भावलपुर में। और बादल जो हैं आपको दिखाऊं तो नज़र नहीं आ रहे क्योंकि फुल जो वेदर है क्लाउडी हुआ पड़ा है, हर तरफ जो हैं गहरे बादल हैं। तो इस वजह से जो नज़र आते हैं बादल टुकड़ों में वो सूरत हाल नहीं है। इस वक्त फुल जो गहरे बादल हैं, तो बारिश हो रही है पूरे इलाकों में। तो ये आपको दिखा रहे हैं जी भावलपुर से। तो ये देखें, ये है सूरत हाल भावलपुर की, हर तरफ जल थल है, पानी है और मौसम जो है खुशगवार हो चुका है। तो मिलते हैं व्यूअर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।